पोकेमॉन अल्टीमेट जर्नीस की एपिसोड 49 में आप लोगों का स्वागत है। वो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि हमारे हीरोज ट्रैवल करते करते आ चुका है एक सी के पास, जहां पे बहुत सारे वेलमर को देख रहे हैं। तभी वो सारे वेलमर के पास पिकाचू भी चले जाते हैं और मस्ती करने लगता है। एंड हमें फिर देखने को मिलता है कोई अजीब सा पोकेमॉन इसके तरफ आ रहा है। एस मिस्टी ब्रॉक को समझ नहीं आ रहा है कि ये कौन सा पोकेमॉन है, लेकिन जब भी वो पोकेमॉन पास आते हैं तो पिकाचू पहचान लेता है। एस और उसके फ्रेंड को समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा पोकेमॉन है। जैसे ही वो पोकेमॉन पास आते हैं तो देखने को मिलता है कि वो लैप्रेस पोकेमॉन है, जो कि लैप्रेस को देखकर पिकाचू पहचान जाते हैं, लेकिन एस अभी भी पहचान नहीं रहा था। लेकिन लैप्रेस एस को पहचान लेता है और एस भी लैप्रेस को पहचान लेता है, जिसके बाद एस दौड़ के चला जाते हैं और लैप्रेस से गले मिलता है। एस अपने लैप्रेस से बहुत दिनों बाद मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लैप्रेस एस को बोलते हैं उसके पीठ के ऊपर बैठने के लिए, लेकिन एस को समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन एस समझ जाते हैं और लैप्रेस के ऊपर बैठ जाते हैं। एंड हमें देखने को मिलता है कि लैप्रेस एस मिस्टर ब्रॉक को किसी आइलैंड पे ले जाने के लिए आए हैं। उसके बाद लैप्रेस एस मिस्टर ब्रॉक को इस आइलैंड पे ले आ जाते हैं। सब आइलैंड पे आ जाते हैं। आइलैंड पर आकर एस मिस्टर ब्रॉक को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आसपास के पोकेमॉन बहुत ज्यादा दुखी था। एस बोलता है कि पता नहीं क्यों सभी पोकेमॉन दुखी है। तभी लैप्रेस एस को इशारा करते हैं ऊपर की तरफ, जो कि एस देखता है कि ऊपर में कुछ तो अजीब सा चीज है। एस मिस्टर ब्रॉक बहुत ही गौर से देखता है। उसके बाद एस ऊपर जाता है और एस को देखने को मिलता है कि एक वेलमर फंस चुका है रॉक के अंदर। एस बहुत ही शॉक हो जाता है। ब्रॉक मिस्टी को बताते हैं कि ऊपर एक वेलमर फंस गया है रॉक के अंदर, और अब एस लैप्रेस को शुक्रिया बोलते हैं इस आइलैंड पे ले आने के लिए। एस वेलमर को बोलता है कि डोंट वरी वेलमर, हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। तभी हमें ऊपर में लैटियस पोकेमॉन देखने को मिलता है, और इधर हमें टीम रॉकेट देखने को मिलता है, जो कि हमारे हीरोज को छुप कर देख रहे थे और प्लान बना रहे थे। इधर हमें एस देखने को मिलता है, जो कि एस यहाँ पे दो पोकेमॉन को भेजता है, जो कि जिससे किंगलर और सरफेस पोकेमॉन बाहर आते हैं। एस बोलते हैं चलो सब मिलके वेलमार को रॉक से बाहर निकलते हैं। उसके बाद एस किंगलर को क्रैब हमारे यूज करने को बोलता है, सरफेस को ब्रिटर स्विंग अटैक यूज करने को बोलता है, और पिकाचू को आयरन अटैक यूज करने को बोलता है। तीनों मिलकर रॉक पे अटैक कर देता है, लेकिन रेफेक्ट के ईटेक उसके ऊपर ही लग जाते हैं, जिससे एस एक गुफा में गिर जाते हैं। मिस्टर ब्रॉक दौड़ के आते हैं और देखते हैं कि एस गुफा में गिर गया है। उसके बाद एस हेराक्रस को बाहर निकालते हैं और हेराक्रस के मदद से एस फिर से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अभी भी इधर रॉक के अंदर वेलमर फंसा हुआ था। तभी मिस्टी को एक आइडिया आते है और बोलती है कि हम फिशिंग रॉड के मदद से वेलमर को रॉक से बाहर निकालेंगे। इस आइडिया को एस को अच्छा लगता है। उसके बाद एस अपने एक और पोकेमॉन को बाहर निकालता है, जो कि बेलीव होती है। बेलीव एस को देख के बहुत ही खुश हो जाती है और एस से गले मिल जाती है। उसके बाद एस बेलीव को बोलता है कि वाइंड हिप अटैक यूज करके मिस्टी की हेल्प करो, और हेराक्रस तुम मेरे को हेल्प करो, हम दोनों मिल के फिशिंग रॉड से वेलमर को पत्थर से निकालेंगे। उसके बाद ये सब ऐसा ही करते हैं, फिशिंग रॉड के मदद से वेलमर को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। एस और मिस्टी एंड बाकी के पोकेमॉन यहाँ पे पूरा दम लगा रहा था, लेकिन अभी भी काम नहीं बन पा रहा था। तभी ब्रॉक अपने मास्टरम को बाहर निकालते हैं और मिस्टी के हेल्प करने को बोलते हैं। और अब एस मिस्टी और सभी पोकेमॉन मिलकर यहाँ पे पूरी तरह से कोशिश करते हैं और पूरा जोर लगा रहा था, और फाइनली आखिर में रॉक से वेलमर बाहर आ ही जाते हैं और बहुत ही ऊंचे आसमान में चले जाते हैं। तभी हमें लैटियस भी देखने को मिलता है, लेकिन वेलमर नीचे आकर गिर जाते हैं उसी गुफा में जिसमें एस गिरा था, और गिरने के बाद वेलमर ग्लो करने लगते हैं। एस और मिस्टी समझ गए थे कि वेलमर इवॉल्व हो रहा है, और वेलमर इवॉल्व हो जाते हैं वेलॉर्ड में, जिससे दोबारा रॉक के अंदर फंस गया था। एस बोलते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए, फिर से हमें वेलमर को वापस निकालना पड़ेगा। और इधर पिकाचू टीम रॉकेट को देख लेता है और टीम रॉकेट के पास आ जाते हैं अटैक करने के लिए, जिससे टीम रॉकेट शॉक हो जाते हैं। टीम रॉकेट बाहर आते हैं, लेकिन तभी पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक करने ही वाले थे, लेकिन टीम रॉकेट सिलेंडर हो जाते हैं और बोलते हैं कि रुको थंडरबोल्ट अटैक मत करना, हम तुम्हारे काम में हेल्प करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद टीम रॉकेट एस मिस्टी ब्रॉक के पास आते हैं। क्या मिस्टी बोलती है कि हमें इस पर भरोसा करना चाहिए? ब्रॉक बोलते हैं हमें एक मौका देना चाहिए। उसके बाद एस पिकाचू को बोलते हैं कि बड्डी तुमने बहुत ही अच्छा किया है। और अब एस एक और पोकेबॉल को भेजता है, जिससे एस का टॉर्टेरा बाहर आते हैं। उसके बाद एस सभी प्लान बताते हैं कि सबसे पहले मैं हेराक्रस और बेलीव अंदर जाऊंगा केप के अंदर। उसके बाद टॉर्टेरा प्रेसिव प्लांट अटैक के यूज करेगा, जो कि टीम रॉकेट के मैजिकल सबमरीन के ऊपर होगा, जो कि टीम रॉकेट यहाँ पे पूरा ज्यादा हेल्प करेगा और उसको पिकाचू देखेगा। इधर मिस्टी बाकी सब पोकेमॉन के लिए हमें हेल्प करेगा, जो कि हमें मदद होगा। और प्लान के मुताबिक इस तरह का काम स्टार्ट हो जाते हैं। टीम रॉकेट यहाँ पे पूरा कोशिश कर रहा था, और इधर टॉर्टेरा प्रेसिव प्लांट अटैक यूज करके वेलर्ट को खींच रहा था, एंड बाकी सब पोकेमॉन भी मदद कर रहा था इसमें। एंड मिस्टी के ग्रेडोस और मिस्टी के एंड बाकी के एस के पोकेमॉन भी मदद कर रहा था। और इधर एस हेराक्रस और बेलीव मिलकर वेलर्ट को बाहर निकालने की कोशिश करेगा। एस बेलीव को बोलते हैं वाइनी अटैक यूज करने के लिए, हेराक्रस को बोलते हैं मेगाहॉर्न अटैक का यूज करते हैं, जिसके बाद सब मिलकर वेलर्ट को अंदर से फोर्स कर रहा होता है बाहर की तरफ लाने के लिए। जिसके बाद वेलर्ट ऑलमोस्ट बाहर आ ही गया था, थोड़ा सा ही फंसा हुआ था। लेकिन उसके बाद टीम रॉकेट एस के पोकेमॉन मिस्टी ब्रॉक और एस केप के अंदर सभी मिलकर दोबारा से बहुत ही और भी ज्यादा कोशिश करते हैं, जिसके बाद वेलर्ट यहाँ पे एक न्यू मूव सीख लेता है, एंड वो मूव के वजह से वेलर्ट यहाँ पे फाइनली बाहर आ ही जाते हैं, जिससे वेलर्ट डायरेक्ट आकर पानी में गिरता है। और इधर टीम रॉकेट को पिकाचू अटैक कर देता है, एंड पिकाचू को ब्रॉक कैच कर लेता है और टॉर्टेरा से जंप कर लेता है, जिससे टीम रॉकेट एक और बार फेल हो जाते हैं। ब्रॉक मिस्टी के पास आते और बोलते हैं कि एस का कैश तो अंदर ही फंसा रह गया, एंड हमें देखने को मिलता है कि एस अंदर फंसा हुआ है बेलीव और हेराक्रस के साथ। उसके बाद एस बेलीव को पोकेमॉन में वापस लेता है। बाहर से मिस्टी और ब्रॉक सोचते हैं कि अब एस को कैसे निकालेगा। तभी लैप्रेस वेलर्ट के पास जाते हैं और प्लान बताते हैं। उसके बाद लैप्रेस
आते हैं वो केप के रास्ते पे और आइस बीम अटैक यूज करते हैं जिससे सारा पानी जम जाता है। एस केप के अंदर था और हेराक्लेस को फुटबॉल में वापस लेता है और थैंक यू बोलता है। एस समझ गया था कि आइस बीम लैपरिस का है, इसका मतलब लैपरिस केप के अंदर आ रहे हैं। और इधर वेलोड एक अटैक करते हैं जो कि बर्फ के अंदर से एक रास्ता बना देता है एंड उसी रास्ते पे अब लैपरिस जाने लगता है जो कि देख के सब शॉक हो जाते हैं और सरप्राइज भी होते हैं। इधर एस भी शॉक हो जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। लैपरिस बहुत ही तेजी से आगे बढ़ते हैं और चले जाते हैं केप के अंदर। एस लैपरिस को देखता है और लैपरिस फाइनली एस के पास पहुंच जाते हैं जिससे एस बहुत ही खुश हो जाते हैं। और लैपरिस और एस मिलकर वापस आते हैं उसी रास्ते से और फाइनली बाहर आ जाते हैं जो कि देख के मिस्टी ब्रॉक और पिकाचू सब खुश हो जाते हैं। एस लैपरिस को शुक्रिया बोलते हैं और पिकाचू से भी मिलता है। मिस्टी और ब्रॉक बोलते हैं कि इसमें वेलर्ट भी हमारा बहुत ज्यादा हेल्प किया है बाहर निकलने के लिए। एस वेलर्ट को भी थैंक यू बोलता है। एंड तभी हमें आसमान में एक और बार लैटियस पोकेमॉन देखने को मिलता है और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि शाम हो गया है जो कि अब लैपरिस का गुड बाय होने वाला है। एस लैपरिस से गले मिलते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। तभी हमें लैपरिस का ग्रुप देखने को मिलता है जिसके बाद लैपरिस एस से बात करने के बाद चले जाते हैं उसके ग्रुप की तरफ और एस लैपरिस को गुड बाय बोलते हैं और लैपरिस चले जाते हैं। तभी मिस्टी को याद आती है कि हम वेलमर को रॉक के अंदर से पोकेबॉल का यूज करके नहीं निकल सकते थे। एस बोलते हैं हां ये तो सही आइडिया था लेकिन हम भूल ही गए और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाते हैं।